एबीपीएस न्यूज सच का साथी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भारत माता की जय। मैं विश्व हिंदू दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबुज निगम हूँ। आज किसका पुतला फूंका गया यहाँ? आज विश्व हिंदू दल के समस्त कार्यकर्ताओं ने लखनऊ हजरत दिन गांधी प्रतिमा पर भारत के उपराष्ट्रपति जिसने देश विरोधी हिंदू विरोधी बयान दिया है उसका पुतला और पोस्टर दहन किया है। हामिद अंसारी ने आज बयान दिया कि इस देश के विभाजन में देश के 100 करोड़ हिंदुओं और भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का हाथ है। हामिद अंसारी ने ऐसा बयान देकर पाकिस्तान को और देश के अलगाववादी नेताओं को और अलगाववादियों को खुश करने का प्रयास किया है। विश्व हिंदू दल भारत सरकार से ये मांग करता, माननीय मोदी जी से मांग करता है कि हामिद अंसारी के इस देश विरोधी बयान के खिलाफ सख्त से कार्रवाई किया जाए और हामिद अंसारी पर जो आए दिन अनर्गल भारत विरोधी और हिंदू विरोधी बयान देता रहता है इसके खिलाफ NSA लगाया जाए और इस पर तत्काल कार्रवाई किया जाए। नहीं तो हामिद अंसारी भारत देश के अंदर हिंदुओं और यहाँ हिंदू जनमानस की धार्मिक भावनाओं को निरंतर आहत करता रहेगा और देश विरोधी बयान देता रहेगा। राम मंदिर के मसले को किस तरीके से देखते हैं? विश्व हिंदू दल राज्य की माननीय योगी जी की सरकार और केंद्र की मोदी जी की सरकार से निरंतर ये मांग कर रहा है और हम लोगों ने समय समय पर आंदोलन भी किए हैं कि अयोध्या में प्रभु श्रीरामचंद्र जी का भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए। सरकार ये कहती है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। विश्व हिंदू दल ये कहता है कि जब आपने SC ST Act को लेकर आपने सुप्रीम कोर्ट का मुंह नहीं देखा, आपने संसद में प्रावधान लाया, कानून बनाया और SC ST Act को पारित कर दिया। ठीक इसी प्रकार देश के हिंदू जनमानस की भावनाओं को और संत समाज को ध्यान में रखते हुए अयोध्या में तत्काल भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कराने के लिए तत्काल संसद में कानून लाए, प्रावधान लाए और जिससे प्रभु श्रीरामचंद्र के भव्य मंदिर का निर्माण हो सके। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले अगर सरकार मंदिर नहीं बनाती तो आप किस तरीके से विरोध करेंगे उसका? 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर सरकार भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण कराने में अपना योगदान नहीं देती, नहीं बनाती है तो विश्व हिंदू दल के समस्त कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और हम लोग 6 दिसंबर जो सौर दिवस होता है लखनऊ में इसका जोरदार प्रदर्शन होगा और आवश्यकता पड़ी तो हम लोग अयोध्या तक कूच करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं विश्व हिंदू दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबुज निगम हूँ। आज किसका पुतला फूंका गया यहाँ? आज विश्व हिंदू दल के समस्त कार्यकर्ताओं ने लखनऊ हजरत दिन गांधी प्रतिमा पर भारत के उपराष्ट्रपति जिसने देश विरोधी हिंदू विरोधी बयान दिया है उसका पुतला और पोस्टर दहन किया है। हामिद अंसारी ने आज बयान दिया कि इस देश के विभाजन में देश के 100 करोड़ हिंदुओं और भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का हाथ है। हामिद अंसारी ने ऐसा बयान देकर पाकिस्तान को और देश के अलगाववादी नेताओं को और अलगाववादियों को खुश करने का प्रयास किया है। विश्व हिंदू दल भारत सरकार से ये मांग करता, माननीय मोदी जी से मांग करता है कि हामिद अंसारी के इस देश विरोधी बयान के खिलाफ सख्त से कार्रवाई किया जाए और हामिद अंसारी पर जो आए दिन अनर्गल भारत विरोधी और हिंदू विरोधी बयान देता रहता है इसके खिलाफ NSA लगाया जाए और इस पर तत्काल कार्रवाई किया जाए। नहीं तो हामिद अंसारी भारत देश के अंदर हिंदुओं और यहाँ हिंदू जनमानस की धार्मिक भावनाओं को निरंतर आहत करता रहेगा और देश विरोधी बयान देता रहेगा। राम मंदिर के मसले को किस तरीके से देखते हैं? विश्व हिंदू दल राज्य की माननीय योगी जी की सरकार और केंद्र की मोदी जी की सरकार से निरंतर ये मांग कर रहा है और हम लोगों ने समय समय पर आंदोलन भी किए हैं कि अयोध्या में प्रभु श्रीरामचंद्र जी का भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए। सरकार ये कहती है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। विश्व हिंदू दल ये कहता है कि जब आपने SC ST Act को लेकर आपने सुप्रीम कोर्ट का मुंह नहीं देखा, आपने संसद में प्रावधान लाया, कानून बनाया और SC ST Act को पारित कर दिया। ठीक इसी प्रकार देश के हिंदू जनमानस की भावनाओं को और संत समाज को ध्यान में रखते हुए अयोध्या में तत्काल भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कराने के लिए तत्काल संसद में कानून लाए, प्रावधान लाए और जिससे प्रभु श्रीरामचंद्र के भव्य मंदिर का निर्माण हो सके। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले अगर सरकार मंदिर नहीं बनाती तो आप किस तरीके से विरोध करेंगे उसका? 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर सरकार भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण कराने में अपना योगदान नहीं देती, नहीं बनाती है तो विश्व हिंदू दल के समस्त कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और हम लोग 6 दिसंबर जो सौर दिवस होता है लखनऊ में इसका जोरदार प्रदर्शन होगा और आवश्यकता पड़ी तो हम लोग अयोध्या तक कूच करेंगे।